आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऑफ आयुर्वेदा में। जैसा कि आप सभी को पता है कि रोज जो फार्मेसी के जो स्टूडेंट हैं डिप्लोमा फार्मेसी आयुर्वेद से कर रहे हैं, या जो नर्सिंग के स्टूडेंट हैं आयुर्वेद से नर्सिंग कर रहे हैं, या जो एलोपैथी के स्टूडेंट हैं मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनकी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चल रही हैं। जो भी टॉपिक है उन पर डिस्कशन हो रहे हैं, तो कुछ रिक्वेस्ट आई थी मेरे पास कि हमें फाइनल ईयर आयुर्वेद का भी क्लास लेना है। सर, हमारे टॉपिक कंप्लीट कैसे होंगे, क्योंकि सभी को पता है कि लॉकडाउन चल रहा है, क्लासेस नहीं चल पाई हैं और एग्ज़ाम भी आने वाला है। कि जैसा कि मैं बता दूं कि जो एग्ज़ाम होता है, जो भी डिप्लोमा आयुर्वेद से जो होते हैं, डिप्लोमा फार्मेसी हो गया या GNM हो गए या जो भी डिप्लोमा कोर्स हैं जो आयुर्वेद से हैं, तो उनकी जो एग्ज़ाम है वो सितंबर या अक्टूबर तक हो जानी है, हो जाती भी है। पिछले साल बस कोरोना की वजह से दिक्कत हो गई, तो दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हुआ था, सभी को पता होगा। और एग्ज़ाम ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन था तो एग्ज़ाम बहुत सिंपली हुआ या प्रमोट कर दिया गया किसी को, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोर्ड ने बाकायदा एग्ज़ाम कराया, जैसा कि होते आया है वैसे एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी आपका आ गया है। और अभी जो सेशन चल रहा है इसमें क्लासेस चलनी थी, लेकिन तब भी लॉकडाउन लग गया तो आपकी क्लास कंटिन्यू नहीं चल पाई। तो बहुत सारी समस्या है। जो लोग भी चैनल पे नए हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हों या मेडिकल से रिलेटेड हों, या आप आयुर्वेद का ज्ञान चाहते हैं, एलोपैथी का ज्ञान चाहते हैं, तो हमसे जुड़े रहें। चैनल पे जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दूसरों तक पहुँचाने के लिए शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, आज का टॉपिक जान लेते हैं कि डिस्कशन किस पे होगा। तो मैं बता रहा था कि जो भी चीज़ें हैं, क्लास जो है बंद था, कोरोना की वजह से लॉकडाउन था और क्लासेस कंटिन्यू नहीं चल पाई हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोर्स बहुत पिछड़ गया है। तो आयुर्वेद के जो भी स्टूडेंट हैं डिप्लोमा फार्मेसी आयुर्वेद से जो स्टूडेंट कर रहे हैं, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि सर हमें क्लास हमारी क्लास कैसे चलेगी, हमारा जो सिलेबस है कवर कैसे होगा। तो कॉलेज के स्टूडेंट नहीं थे, कुछ स्टूडेंट बाहरी स्टूडेंट भी हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि सर हमारी क्लास भी चलनी चाहिए। तो उन्हीं के कोर्स को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों में 10 दिन लगे या 15 दिन लगे, 20 दिन लगे, दो तीन सब्जेक्ट, एक दो सब्जेक्ट अगर कवर हो जाते हैं, एक दो सब्जेक्ट अगर कवर हो जाते हैं, तो मैं समझूंगा कि जो आयुर्वेद से फार्मेसी कर रहे हैं उनकी सहायता, थोड़ी सी सहायता मैंने कर दी। तो आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊँगा। आज फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है फार्मेसी से, आयुर्वेद फार्मेसी से जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में हैं, उनका सिलेबस को उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगा और शॉर्ट में सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या चीज़ें, किस सब्जेक्ट में आपको पढ़ना है, सब्जेक्ट कितने हैं आपके, कैसे क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि आज आपका सब्जेक्ट क्या क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बता दूँ। तो जो भी डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं आयुर्वेद से, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डी फार्मा फाइनल ईयर और सब्जेक्ट मैंने मेंशन कर दिए हैं, तो आपको साफ साफ सब दिख रहा होगा कि जो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, तीन सब्जेक्ट आपके मैंने मेंशन किए हैं। तीनों सब्जेक्ट जो हैं, रस शास्त्र, पहला जो सब्जेक्ट है रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना है। तो एक एक सब्जेक्ट को मैं रेफरेंस एक्सप्लेन करता रहूँ और बताता भी रहूंगा। जैसे कि यहाँ पे आपका पहला जो सब्जेक्ट है जिसको रस शास्त्र और भैषज कल्पना बताया गया है, मतलब कि पहला सब्जेक्ट आपको पढ़ना है रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना। तो इसमें पढ़ना क्या क्या चीजें हैं आपको, तो आयुर्वेद में रस उन्हीं चीजों को कहा गया है जो हमारे मुंह में जाने के बाद, जो भी चीजें हम खाते हैं मुंह में जाने के बाद से हमारी संवेदनाएं व्यक्त होती हैं या हमारी जो स्वाद कलिकाएं हैं उसको पहचानने के बाद से रिएक्ट करती हैं और ये बताती हैं कि उसका स्वाद इस तरह का है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है, कसैला है, ये सारी चीजें बताती हैं। तो आयुर्वेद में इन्हीं स्वाद को रस कहा गया है और इन रसों के अनुसार हमारे शरीर की प्रकृति, हमारे शरीर का वात पित्त कफ, ये सारी चीजें रसों के अनुसार बढ़ते हैं, घटते हैं। कुछ रस ऐसे होते हैं जो बलवर्धक होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो हमें शरीर को, हमारे शरीर को कमजोर करते हैं, हमारे शरीर में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। तो रस शास्त्र में आपको इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है और कुछ ऐसे औषधि द्रव्यों के बारे में आपको बताया जाएगा जिससे आप भस्म तैयार करोगे, क्षार बनाएंगे और जो व्याधियां हैं उसमें उपचार में उन औषधि द्रव्यों का प्रयोग आप करोगे। तो रस शास्त्र में ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। और इसी का जो दूसरा टर्म है जिसको भैषज कल्पना यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, तो भैषज कल्पना का मतलब जैसे आपने द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय फर्स्ट ईयर में आयुर्वेद फार्मेसी फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा, आपने पहला सब्जेक्ट पढ़ा था आयुर्वेद परिचय एवं स्वस्थ वृत्त,
तो उसी के अंतर्गत आपका तीसरा जो सब्जेक्ट था वो था द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय। तो आपने थर्ड सब्जेक्ट आपका जो फर्स्ट ईयर में था द्रव्य गुण विज्ञान और द्रव्य परिचय पढ़ा ही था, तो उसी के अंतर्गत ये भी सब्जेक्ट आएगा, क्योंकि पहले जो सब्जेक्ट था आपका पिछले साल उसमें बस आपको द्रव्य का परिचय कराया गया था कि ये औषधियां हैं, इनसे इस तरह से दवा बनाया जाएगा, ये चीजें हैं, द्रव्य का परिचय कराया गया था, मतलब औषधि द्रव्यों का बस परिचय कराया गया था। लेकिन यह जो भैसज कल्पना है, भैसज कल्पना में आपको बताया जाएगा कि जो भी औषधि द्रव्य है उनसे दवा कैसे तैयार करेंगे और किस पेशेंट को कौन सी दवा देनी है, आप दवा की खुराक कितनी रखोगे, कौन सी दवा आप खुद तैयार करोगे, क्या क्या चीजें उसमें लगेंगी। तो पूरा जो पैटर्न है इस सब्जेक्ट का वो रोग को लेकर के और उसके औषधि द्रव्यों को लेकर के ही है। तो पहला सब्जेक्ट जो है आपका रस शास्त्र एवं भैषज कल्पना, ये पूरी तरह से रोगों और आयुर्वेदिक औषधियों के ऊपर ही आधारित है। इसमें सारी चीजें ही यही सारी चीजें बताई गई हैं, यही सारी चीजें आपको बतानी भी है। और मैं कोशिश करूंगा कि जो नेक्स्ट क्लास हो आपकी उसमें रस शास्त्र को मैं लेकर के चलूं और जो भी टॉपिक और टर्म है उसको साथ में आपको बताते भी चलूं, ताकि आपकी हेल्प हो जाए, थोड़ी सी हेल्प हो जाए, क्योंकि क्लास की जो टाइमिंग है बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत सारा कवर, बहुत सारा जो सिलेबस है हमारा पिछड़ गया है। कोशिश करूंगा मैं उनको कवर कर लूं। फिर जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद। तो जो डिप्लोमा फार्मेसी कर रहे हैं फाइनल ईयर के, आयुर्वेद से जो फाइनल ईयर हैं फार्मेसी के जो स्टूडेंट, उनका दूसरा सब्जेक्ट है रुग्ण परिचर्या एवं व्यवहार आयुर्वेद। तो इसमें आपको पढ़ना है कि अगर कोई रोगी है उसके शरीर में अगर कोई बीमारी हो जाती है तो उसका आप पता कैसे लगाते हो, मतलब अगर कोई रोगी आपके पास आता है बताता है कि मेरे मुझे कब्ज है, पेट में दिक्कत है, या बुखार है, सर्दी है, खांसी है, तो उस चीज को आप जानने के लिए आप क्या प्रयत्न करोगे, कैसे उस चीजों को जानोगे। तो इसमें अगर आप उसका यूरिन का टेस्ट करते हो या मल का जांच करते हो, या आप उसके अगर उसे खांसी हुई है तो बलगम का अगर जांच करते हो, तो सब चीजों का परीक्षण करके, या आप उसकी नाड़ी का परीक्षण करके और पता लगाते हैं कि रोग की प्रकृति क्या है, किस तरह से रोग इसके शरीर में प्रकोपित हुआ है, कैसे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, तो ये सारी चीजें अगर आप प्रकृति क्या है, कैसे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है, इन्हीं सारी चीजों को आप रुग्ण परिचर्या में पढ़ोगे। और व्यवहार आयुर्वेद, रुग्ण परिचर्या का मतलब रोग की प्रकृति कैसे रोग हुआ है, रोग कैसे शरीर में दिक्कत कर रहा है, कैसे फल फूल रहा है, इन सारी चीजों का पता लगाने के बाद से आप व्यवहारिक रूप से जिस आयुर्वेद का प्रयोग करके उस रोग को खत्म करने की कोशिश करते हो, रोग को जानने के बाद से उसको खत्म करने की जो कोशिश करते हो वो व्यवहार आयुर्वेद में आता है। तो इसमें आपको रोग की प्रकृति, रोग की अवस्था जाननी है, उस पेशेंट को कौन सा रोग हुआ है, उसके लक्षण क्या है, कैसे उसका आयुर्वेद में इलाज करेंगे, ये सारी चीजें इस सब्जेक्ट में आपको बताई जाएंगी। कुछ आपको पहले से ही पता, आपने फर्स्ट ईयर क्लास अटेंड किया होगा तो पता होगा कि संस्कृत के बहुत सारे इसमें वाक्य हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, संस्कृत में बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको हिंदी में ही रिफरेंस करके मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं यहाँ पे डिफिकल्ट चीजें नहीं बताना चाहता कि आप यहाँ पे मेरे साथ जुड़े हुए और तब भी आप डिफिकल्ट है आपको, सब्जेक्ट डिफिकल्ट लगे आपको, ये लगे कि नहीं ये बहुत ज्यादा हार्ड है, तो इसलिए मैं ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, सिंपली मैं रेफरेंस करके बता रहा हूँ हिंदी में। उसी के क्रम में अगर देखें तो तीसरा जो सब्जेक्ट है फार्मेसी के जो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है उनका तीसरा सब्जेक्ट है रोग परिचय एवं चिकित्सा। तो ये उतना कठिन नहीं है कि इसमें समझाना पड़े, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। इस सब्जेक्ट में आपको रोग परिचय दिया जाएगा, जैसे कि पहले से आपको रोगों का लक्षण पता है, रोग की प्रकृति पता है, किस रोग में क्या चीजें, शरीर की क्या दिक्कत हो जाती है, समस्या क्या होती है, ये सारी चीजें पता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको आपसे परिचय कराया जाएगा, इसके लक्षण बताए जाएंगे, शरीर में क्या क्या दिक्कतें होती हैं, किस रोग में क्या शरीर की दिशा और दशा हो जाती है, उन सारे चीजों को बताया जाएगा। और उसके साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा उस रोग की चिकित्सा कैसे होनी है, किस दवा का प्रयोग करोगे, आयुर्वेदिक कौन सी दवा आप पेशेंट को दोगे, कितनी मात्रा में देंगे, ये सारी चीजें आपको थर्ड सब्जेक्ट में बताई जाएंगी। एक चीज और बता दूं आपको, ये तो रहा आपका सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव की मतलब सब सब्जेक्ट जो भी है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो पूरे जो भी सब्जेक्ट हैं
मैंने बता दिया कि सिलेबस क्या है, सब्जेक्ट क्या था, आपको क्या क्या चीजें पढ़नी थी, उसी के क्रम में मैं कुछ और चीजें बता देता हूँ जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो आपको पहले से ही पता होगा, आपने फर्स्ट ईयर में जो एग्जाम दिया था उसमें जो भी रिटेन एग्जाम के जो मार्क थे, रिटेन एग्जाम का जो मार्क था हर सब्जेक्ट पे आपको 100 मार्क ही मिलना था। कितना मिलना था? 100 मार्क मिलना था। मतलब कि टोटली 3 सब्जेक्ट है आपका, तो इंटू 3 मतलब 300 मार्क के जो सब्जेक्ट थे वो आपके थे। मतलब कि टोटल जो रिटेन एग्जाम था आपका 300 का ही था, 300 का था, और बाकी जो था प्रैक्टिकल का जो है, जो प्रैक्टिकल है वो आपका भी 100 × 3 कर देंगे, तो 300 का आपका प्रैक्टिकल भी है। तो मतलब टोटली आपका जो एग्जाम होगा वो 600 नंबर का होगा, 600 नंबर का आपका एग्जाम है। मतलब कि फाइनल ईयर में भी आपको 600 पासिंग, जो 600 मार्क है वो आपको दिए जाएंगे आपके प्रदर्शन के अनुसार, जो भी आपने एग्जाम में क्या लिखा, वाइवा में क्या दिया, वो सारी चीजें करके आपको इतने मार्क मिलेंगे। तो मतलब कि टोटली आपका जो एग्जाम का जो मार्क है वो 100 मार्क का, मतलब कि 300 मार्क ये हो गया, और प्रैक्टिकल का भी 300 मार्क, मतलब कि 600 मार्क आपके होंगे। टोटली आपको 600 मार्क का एग्जाम आपको देना है, जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में दिया उसी तरह से आपको फाइनल ईयर में भी देना है। वो सिलेबस बता दिया, सब्जेक्ट बता दिया, आपके सब्जेक्ट के एक्सप्लेनेशन भी दे दी कि क्या क्या चीजें आपको किस सब्जेक्ट में क्या क्या चीजें पढ़नी है, और रिटेन और प्रैक्टिकल एग्जाम के मार्क भी बता दी कि क्या क्या चीजें हैं, कैसे आपको कितने मार्क के एग्जाम होंगे आपके, ये सारी चीजें बता दी। अब मैं आपको जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बता देता हूँ कि जैसे ही आपको पता है कि आप फाइनल ईयर में हो, फाइनल ईयर जो ही आपका कंप्लीट होगा उसके बाद से आपकी 3 महीने की इंटर्नशिप होगी, 3 मतलब कि 3 मंथ्स का आपका इंटर्नशिप होगा, इंटर्नशिप, तो 3 महीने की इंटर्नशिप होगी आपकी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। तो जो ही आप एग्जाम फाइनल ईयर का पास करोगे तो आपको 3 महीने की इंटर्नशिप करनी है। ये इंटर्नशिप आपका बीएमएस कॉलेज से होना चाहिए, मतलब कि किसी भी बीएमएस कॉलेज से आपका ये इंटर्नशिप जरूरी है, या अगर आप चाहते हैं कि प्रशिक्षण आपका ऐसा हो कि आपको दवाओं के बारे में पूरी तरह से जानकारी हो जाए, तो आप इसके लिए मैं आयुर्वेदिक ऐसी संस्था या फार्मेसी के साथ जुड़ जाइए जहां पे दवा बन रही हो, आयुर्वेद की दवा बनाई जा रही हो, जहां पे आपको अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी, या आपके कॉलेज में लैब है तो वहां पे आप इंटर्नशिप कर लीजिए। अगर वो फार्मेसी के रूप में रजिस्टर्ड है या फार्मेसी में रजिस्टर्ड है तो आप अगर वहां से करते हो तो 3 महीने की इंटर्नशिप का कागज वो भी कॉलेज आपको, पैरामेडिकल कॉलेज आपको दे सकता है, या बीएमएस कॉलेज से हो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, आप वहां से डायरेक्टली 3 महीने की जो इंटर्नशिप है वो कर लोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने में कोई दिक्कत नहीं होगा, इंटर्नशिप का कागज आपके पास रहेगा 3 महीने की जो ही इंटर्नशिप कंप्लीट होगी। तो उसके बाद से आपको करना क्या है, बोर्ड में आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, जिसके लिए आपको आपके मार्कशीट, जो भी फर्स्ट ईयर का मार्कशीट है और फाइनल ईयर का मार्कशीट है उसकी कॉपी चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, उसके बाद से इंटर्नशिप का कागज चाहिए, इंटर्नशिप की 2 कागज आपको चाहिए, जिसमें इसमें भी कंडीशन है 3 महीने का मैंने बता दिया, मतलब कि 90 डेज के इंटर्नशिप का कागज आपको चाहिए, मतलब कि डॉक्यूमेंट 90 दिन का ही बनेगा, जिसमें 45 डेज आपको, 45 डेज आपको ड्रग डिपार्टमेंट में काम करना है, मतलब कि दवा केंद्र में काम करना है 45 दिन, और 45 दिन आपको हॉस्पिटल में वर्क करना है, हॉस्पिटल या पेशेंट केयर में काम करना है आपको। तो ये भी चीज दिमाग में रखिएगा आपको, मतलब कि जो 3 महीने का इंटर्नशिप होगा उसमें 45 दिन आपको ड्रग डिपार्टमेंट में काम करना है, मतलब कि दवा बिक्री में या दवा कैसे बनती है सारी चीजें आपको जानना है, और 45 दिन का जो इंटर्नशिप होगा वो पेशेंट केयर में, मतलब कि रोगियों का इलाज करने में, दवा देने में, ये सारी चीजों में होगा, जिसमें आपको 3 महीने में पूरी जानकारी हो जाएगी कि आप कैसे पेशेंट की केयर कर रहे हो, दवा कौन सी दे रहे हो, ये सारी चीजें आपको जनरली पता चल जाएगी। फिर जब ये आपको कागज मिल जाएगा तो आपको बोर्ड की वेबसाइट से आप चाहें तो डायरेक्टली जाकर डॉक्यूमेंट आपको इंटर्नशिप का मिल जाएगा, तो आप बोर्ड की वेबसाइट से जाकर के रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, या कॉलेज के थ्रू आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन होगा वो सारी चीजें मैं, जो फाइनल ईयर है फार्मेसी के, फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट है फार्मेसी के, उनके लिए मैं एक वीडियो स्पेशली
इंटर्नशिप के लिए और रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीजों के लिए मैं एक वीडियो लेकर के आऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, आप सिंपली आप अपना इंटर्नशिप भी कर सके या आप इंटर्नशिप कॉलेज के थ्रू करा सके, कितने डॉक्यूमेंट है, क्या क्या चीजें, ये सारी चीजें मैं आपको समझा दूंगा। तो मैं लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए और जो भी मेडिकल के स्टूडेंट है, जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती आप कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट को मैं पढ़ता हूँ और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो आप हमसे जुड़े रहिए, वीडियो अगर अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी पहुँचाइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह हमें प्यार देते रहिए और हमारे साथ बने रहिए।